हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मेघा राठौर एंड वेलकम टू आवर अमेजिंग चैनल विच इज़ बीआर एकेडमी। तो ओके स्टूडेंट्स, तो जो क्लास चल रही थी हमारी लास्ट क्लास, जहाँ हमने एंड किया था, वो क्या था, उस चैप्टर का नाम था द लिविंग वर्ल्ड। इसको हमें आज कंटिन्यू करना था। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था और कहाँ पर हमारी क्लास एंड हुई थी। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई थी। क्या मैंने बताई थी आपको? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं तो पूरी वीडियो उसी पे हो जाएगी, ठीक है। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। तो जिन जिन बच्चों को ये ट्रिक याद है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, ठीक है। उसका कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं कि मैम कौन सी ट्रिक थी, आपको ये बताना है, ठीक है। ट्रिक का नाम पूरा लिखना है और जिनको नहीं पता वो यहाँ पर देखें। तो ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई थी कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉड से, ठीक है। ये आपकी ट्रिक थी। अगर नए स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे मैम इसमें क्या कहाँ से इसमें टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ गई, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो हर एक कैटेगरी है इसको आप बोलोगे टैक्सोन लेवल, ठीक है। क्या आप बोलोगे? टैक्सोन लेवल। तो बेटा इसमें जो टैक्सोन कैटेगरीज हैं वो कैसे हैं, देखिए ये क्या है, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गॉड से, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है। इसमें आप सबका फर्स्ट वर्ड ले लीजिए, के पी सी ओ एफ जी और एस। जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पर थोड़ा फोकस करके देखें, ठीक है। तो के से यहाँ पर हो जाएगी आपकी एक कैटेगरी बन जाएगी आपकी किंगडम। के से आपकी हो जाएगी किंगडम, ये मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। पी से आपकी फाइलम, सी से आपकी रहेगी बेटा क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली होगा, जी से आपका जीनस हो जाएगा और एस से आपका हो जाएगा स्पीशीज। कितनी टैक्सोन कैटेगरीज काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आपके पास आ गई, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स का जो डिवीजन है इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही किया गया है। तो जो कैटेगरीज हैं वो मैंने आपको बता दी, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, ठीक है। अब इसमें आपको क्या इम्पोर्टेंट क्या जो है आपको याद रखना है कि हाँ क्या है इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ क्या है, एक तो क्या होता है ना कि जब ये आता है क्वेश्चन कि आप जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं इसको आप सही ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो बच्चे इनको ज़्यादा वो सोचते हैं ना कि मतलब ठीक है आगे पीछे हो जाएगी, ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है आगे पीछे हो जाएगी, तो वो किसी पर भी टिक लगा के आते हैं। बट नहीं, ये जो ऑर्डर है ये आपको एज अ सीरियल वाइज आपको ऐसा ही याद रखना है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ में क्या है कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में इसके नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो जो इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें जो कॉमन कैरेक्टर्स मैं आपको बताए थे, अगर आप नीचे से ऊपर से आ जाओगे तो कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। कॉमन कैरेक्टर्स कैसे होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब आपकी हर एक नीचे से अगर आप ऊपर जाओगे तो आपकी हर एक टेक्सोनिक कैटेगरी पर जो सिमिलरिटी या कॉमन कैरेक्टर्स है वो कम होते जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। तो इससे आप क्या यहाँ पर लिख लीजिए, कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, ये गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इससे मेरे को एक बात बताइए, अगर नीचे से ऊपर जाने पर कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किस टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या किस टैक्सोन लेवल पर होंगे, बताइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला कि अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो घटेंगे, तो मतलब स्पीशीज लेवल पर सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं और सबसे कम किस पर हो रहेंगे, सबसे कम आपके हो रहेंगे किंगडम लेवल पे, सबसे कम आपके हो रहेंगे किंगडम लेवल पे, सबसे ज़्यादा आपके हो रहेंगे स्पीशीज लेवल पे। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या है, हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिटेल में पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है तो आप उसको नोट कीजिए, फिर हम आगे एक एक स्पीशीज मतलब हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को डिटेल में अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो उसको नोट डाउन कीजिए। तो ओके
देखिए, तो मैंने अभी तक मैंने आपको सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बता दी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग को मूव करना है उसके लिए मैंने ना यहाँ पे ट्रिप साइड में नोट की है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि हाँ इसके बाद ये कैटेगरी पढ़नी, इसके बाद ये, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि हमको कौन सी कैटेगरी डिटेल में अभी पढ़नी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पीशीज लेवल, मतलब स्पीशीज जो है वो एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसको मैंने नोट डाउन किया। और जो हम लोग मूव करेंगे, मैंने आपको बोला नीचे से ऊपर की साइड हम लोग मूव करेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जाने में कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पीशीज की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो आप एक डेफिनेशन याद याद देंगे, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आर टर्म्ड एज स्पीशीज, ठीक है, आर टर्म्ड एज जिनके पास कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो, उसको क्या, उस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, उस ग्रुप को आप बोलोगे स्पीशीज रहेगी, ठीक है। ये ग्रुप क्या है, ये एक स्पीशीज का ग्रुप है, क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए, ठीक है। ये तो आपकी होगी डेफिनेशन। अब मैंने बोला कि विदाउट एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक देखते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल बेटा नोट कीजिए, टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बताइए। किस किस बच्चे को पता है कि टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या है, और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि मैम साइंटिफिक नेम टाइगर का ये होगा, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो याद देखे और समझे। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो आपको रहेगा पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस। लायन का क्या हो जाएगा बेटा, लायन क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। ये तो शायद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि लायन और टाइगर क्या होता है, बट लिपार्ड तेंदुआ उसका किस किस को पता है कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, जिसको पता है वो प्लीज मेरे को कमेंट में बताओ कि मैम इसका साइंटिफिक नेम ये होगा, किसका, लिपार्ड का। और जिसको नहीं पता है वो यहाँ देखे, लिपार्ड क्या होता है, तेंदुआ, साइंटिफिक नेम इसका हो जाएगा पैंथेरा पार्डस, क्या हो जाएगा बेटा, पैंथेरा पार्डस, ठीक है। और इसको हम करेंगे अंडरलाइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोगों ने लास्ट पिछली क्लास में जो देखा था हम लोगों ने कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसमें क्या रूल्स हमने पढ़ा था, उसमें से एक रूल ये था कि जब भी आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिखें किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो अगर आप उसको इटैलिक भाषा में नहीं लिख सकते हैं तो आप उसको अंडरलाइन करें सेपरेटली, ठीक है। ये उन्होंने वहाँ पर एक रूल पढ़ा था, उसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। और सेकंड क्या है कि जो पहला वर्ड होगा, पहले वर्ड है ये जिसका फर्स्ट लेटर वो क्या होगा, कैपिटल, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड आपका होगा स्मॉल, ठीक है। अब देखिए स्पीशीज क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग समझे तो मैंने आपको वहां बताया था कि ये जो फर्स्ट ये चीज होती है ना, ये वर्ड, ठीक है, ये आपका, मैंने आपको क्या बताया था बताइए, ये मैंने आपको बताया था कि ये आपका हो जाएगा जीनस, क्या होता है ये आपका, ये बेटा आपका हो जाएगा जीनस, ठीक है। और सेकंड ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्पीशीज। ये तो आपको समझ में आ गया, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक रूल था कि जो पहला वर्ड होगा वो आपको हो जाएगा जीनस, सेकेंड वर्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, स्पीशीज, ठीक है। बट अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर समझने की कोशिश करें कि क्या होता है स्पीशीज इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा ग्रुप इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का जिनके पास क्या हो, फंडामेंटल सिमिलैरिटी, ठीक है, मतलब उनके पास कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो, उस ग्रुप को आप क्या बोलोगे कि ये ग्रुप क्या है आपका, स्पीशीज ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ देखिए,
टाइगर, लायन और लेपर्ड, ठीक है। इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, आप देख सकते हो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है, तीनों कार्निवोरस होते हैं, और भी इसमें क्या होती है सिमिलरिटी, तो इनके बेसिस पर इनको एक ही स्पीशीज में रखा गया, ठीक है। ये तीनों क्या हो गया आपके एक ही स्पीशीज होती है, ये पूरा एक स्पीशीज, समझ में आपको आ गया क्या होता है स्पीशीज। ये आपकी होगी डेफिनेशन, ये आपका हो गया एग्जाम्पल। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे, वो हमारी क्या होगी जीनस। फर्स्ट कंप्लीट हो गई, इसको कट डाउन कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हमें जीनस, उसको हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, क्या होती वो स्पीशीज, सेकंड हमारी है जीनस। इसके हम पहले देखते हैं डेफिनेशन, फिर इसका हम क्या देखेंगे एग्जाम्पल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले तो लिख लीजिए आप, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, ग्रुप ऑफ स्पीशीज इज टर्म्ड एज, इज टर्म्ड एज जीनस, ठीक है। मतलब स्पीशीज के ग्रुप को आप क्या बोलोगे, स्पीशीज के आप ग्रुप को बोलोगे जीनस होता है। अब सेकंड चीज देखिए, एक पॉइंट हो गया, सेकंड क्या है, इट हैज लेस सिमिलर कैरेक्टर, सिमिलर कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू विच टैक्सोनेबल, एज कंपेयर टू स्पीशीज, ठीक है, एज कंपेयर टू स्पीशीज लेवल, स्पीशीज लेवल। यू दो चीज आपकी हो गई, पहली क्या कि ग्रुप ऑफ स्पीशीज, जो भी स्पीशीज है उनके ग्रुप को आप क्या बोलोगे कि क्या है, ये आपका है जीनस, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं या फिर सिमिलर कैरेक्टर्स हैं जीनस लेवल पर, क्या स्पीशीज लेवल से ज़्यादा होते हैं या फिर कम, तो कैसे होते हैं बेटा, लेस सिमिलर कैरेक्टर्स एज कम्पेयर टू स्पीशीज लेवल, ठीक है। ये आपके हो गए दोनों पॉइंट कि जीनस होता क्या है और जीनस के पास स्पीशीज से जो है वो कितने, अगर मतलब ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं या फिर कम कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, वो हो गया। अब हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल, तो बेटा जो एग्जाम्पल है वही लास्ट वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसी को हम समझेंगे, टाइगर और मैंने क्या लिया था लायन और लेपर्ड, तीन में लिए थे एनिमल, इन तीनों को क्या लिखे थे साइंटिफिक नेम, क्या हो जाएगा पैंथेरा टिग्रिस, लायन का टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, लायन का हो जाएगा पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो और लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा पार्डस। तीनों में साइंटिफिक नाम लिख दिए, टाइगर का, लायन का और लेपर्ड का। इसमें मैंने आपको बता दिया था लास्ट क्लास में कि ये आपको हो जाएगा क्या स्पीशीज, ठीक है, लास्ट क्लास हमने कंप्लीट किया है, ये आपको हो जाएगा स्पीशीज। और फिर आप ये देखें क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ स्पीशीज, मतलब बहुत सारे स्पीशीज मिल के आप बना लेंगे, बहुत सारे स्पीशीज मिल के बना लेंगे जीनस। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये आपको हो जाएगा जीनस, ठीक है। दूसरी तरह से मैं शो करती हूँ इसको, ये आपको हो जाएगा बेटा। दो चीज क्लियर हो गई, पहली क्या हो गई आपकी स्पीशीज क्या होता है, सेकंड क्या हो गया आपका जीनस, ग्रुप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड जीनस, ठीक है। तो याद रखिए फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको दो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंप्लीट करवा दी है, तो यहाँ पर इसको भी आप कट डाउन कर दीजिए। अब आप मूव करते हैं थर्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे, वो क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी एफ फॉर फैमिली, ठीक है। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दो मैंने अभी तक मैंने आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंप्लीट करवा दी, ठीक है। अब थर्ड हमारी क्या है फैमिली, अब हम देखते हैं फैमिली क्या है। मैंने आपको जीनस में बेटा क्या लिखवाया था कि जीनस क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। तो वही इसके लिए आप लिखिए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, क्या हो जाएगा ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा इज टर्म्ड एज फैमिली,
ये आपका हो गया कि फैमिली का मतलब क्या होता है। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि इसके पास जो लेस कॉमन कैरेक्टर्स है वो किस टैक्सोन लेवल से कम है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, इट हैज लेस सिमिलर या फिर आप लिखिए कॉमन कैरेक्टर, सिमिलर या फिर कॉमन has
लेस कॉमन कैरेक्टर्स, आप समझ जाइए कॉमन कैरेक्टर या फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज की, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू, अभी तक हमने कौन कौन सी यूनिट पढ़ ली है, एज कंपेयर टू स्पीशीज लेवल जीनस लेवल और लास्ट में हमने कौन सी पढ़ी अभी, एंड फैमिली लेवल, ठीक है, एंड फैमिली लेवल. मैं आपको एक क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि इससे ना आपको पता चलता रहे कि हाँ ये जो है आपको सीरियल वाइज की याद रखनी है, इसका एक भी टैक्सोन कैटेगरी इधर का उधर नहीं करना है, ठीक है, जो जैसे एज इट इज लिखी हमको ऐसे ही याद रखनी है. तो क्या हो गया, ऑर्डर क्या होता है, बहुत सारे फैमिलीज मिलके क्या बना रही थी आपका ऑर्डर, जैसे बहुत सारे जीनस मिलके क्या बना रहे थे फैमिली, वैसे ही बहुत सारे फैमिलीज मिलके आपके बना लेंगे ऑर्डर. और इसके बाद जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो किस किस टैक्सोन लेवल से कम होते हैं, वो आपके कम होते हैं स्पीशीज से, जीनस से, और लास्ट में क्या पड़ा, फैमिली लेवल से. इन तीन से जो है इसके पास कॉमन कैरेक्टर्स कम होते हैं. दो पॉइंट हो गया, समझ में आ गया क्या होता है और इससे कॉमन कैरेक्टर्स का पॉइंट जो है. अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली वो एग्जाम्पल ही पूछते हैं. तो हम एग्जाम्पल लेंगे, पहले ना हम दो फैमिलीज ले लेंगे, दो फैमिलीज, ठीक है, पहली आपकी हो जाएगी सोलेनेसी जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताई थी, ठीक है, सोलेनेसी. सेकेंड आपकी हो जाएगी कॉन्वल्व्यूलेसी, ठीक है, कॉन्वल्व्यूलेसी. ये दो आपकी होगी फैमिलीज. तो मैंने आपको बोला पहला पॉइंट आप देखिए क्या है, ऑर्डर इज अ असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, मतलब बहुत सारी फैमिलीज मिलकर क्या बना देंगे ऑर्डर. तो दो हमें फैमिलीज लेनी है, अब इससे हम क्या बनाएंगे, इससे हम बनाएंगे ऑर्डर, या फिर इन दोनों को हम एक ऑर्डर में पुट करेंगे, ठीक है. तो जब इसमें कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स देखे गए, इनमें कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स देखे गए बेस्ड ऑन सम फ्लोरल कैरेक्टर्स, आप नोट कीजिए, बेस्ड ऑन सम फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल कैरेक्टर्स को देखकर, ठीक है, इन दोनों को किस ऑर्डर में रखा गया, इन दोनों को रखा गया बेटा पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में, किस में, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में. तो यह नोट कीजिए ऑर्डर का नेम पॉलीमोनियल्स, या फिर क्या हो जाएगा, यह आपका है ऑर्डर, ठीक है, जिन बच्चों याद दिख रहा है यार, ठीक है, तो मैं याद देती हूँ कि इसको हम रखेंगे पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में, पॉलीमोनियल्स, और ये क्या आपका हो जाएगा, ये आपका है ऑर्डर, ठीक है, स्पेलिंग आप यहाँ से नोट कीजिए और यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है. तो ये आपका हो गया फोर्थ टैक्सोन कैटेगरी, क्या है आपकी ऑर्डर. ऑर्डर से क्या होता है, ऑर्डर का मतलब होता है जब बहुत सारी फैमिलीज मिलके जब मिल जाती हैं तो आपको क्या बनाती है, वो आपका बनाती है ऑर्डर. और इसके पास जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे स्पीशीज लेवल से, जीनस लेवल से, और आपके फैमिली लेवल से. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम दो फैमिलीज लेंगे, एक तो सोलेनेसी और एक दूसरी और आपकी हो जाएगी कॉन्वल्व्यूलेसी. इन दोनों में अगर हम कुछ फ्लोरल कैरेक्टर्स देखेंगे उसमें कुछ ना, इन दोनों में फ्लोरल कैरेक्टर्स कुछ सिमिलर थे, उनके बेसिस पे इसको एक ऑर्डर में, इन दोनों को एक ऑर्डर में रखा गया, क्या नाम है उसका, पॉलीमोनियल्स, ठीक है. तो इस टाइप से फोर टैक्सोन कैटेगरी कंप्लीट होता है. अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टैक्सोन कैटेगरी पे, जो आपको क्या हो जाएगी सी से आपकी हो जाएगी क्लास, ठीक है, ये हमारी कंप्लीट होगी ऑर्डर, इसको हम क्या करेंगे करना. तब तक आप उसको नोट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टैक्सोन कैटेगरी में, ठीक है. तो मैंने अभी तक मैंने आपको कितनी कंप्लीट हमारे